आसरा नहीं था। इस ब्रह्मांड का अंत भी मैं हूं और आरंभ भी। सिर्फ शिव ही क्यों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहां तक कि चीन के ताओ धर्म की पौराणिक तस्वीरों में भी तीसरी आंख का जिक्र हुआ है। दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में जो मूर्तियां मिली हैं, उसमें भी इंसान की आंखों के ठीक ऊपर एक बिंदी के आकार की आकृति दिखाई देती है। तो क्या ये तीसरी आंख सिर्फ किसी की कल्पना मात्र है, या फिर इंसानों से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य है जिसे आप और हम आज तक नहीं समझ पाए? क्या वेदों में तीसरी आंख के जिस करिश्मे का जिक्र हुआ वो सिर्फ कोई किताबी कहानी है, या फिर कोई ऐसी शक्ति जो वाकई इंसान को सुपरमैन बना सकती है, महामानव बना सकती है? जरा सोचिए, इस दुनिया की आबादी 7 अरब से भी ज्यादा है, लेकिन ये खास लोग इतने कम क्यों होते हैं? कभी सोचा है आपने, वो थोड़े लोग ही क्यों हुए जिनके इशारे पर दुनिया नाचती है? वो लोग गिने चुने ही क्यों हुए जिन्होंने इस दुनिया की तस्वीर और तकदीर पूरी तरह से बदल कर रख दी? ऐसे लोग कम क्यों हैं जो वक्त की नब्ज को वक्त से पहले पकड़ लेते हैं? वो मेधा, वो शक्ति, वो ताकत, वो प्रतिभा आखिर इतने कम लोगों को क्यों मिलती है? कभी सोचा है आपने? आर्यभट्ट, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, इब्राहिम लिंकन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन तमाम हस्तियों के बीच एक ही रिश्ता है कि ये लोग उस रहस्य को जानते हैं जो आज तक हमारी समझ से दूर था। एक ऐसा रहस्य जिसका जिक्र वेदों में है, पुराणों में है और विज्ञान के सिद्धांतों में है, जिसमें माना गया कि इंसानों में भी तीसरी आंख की शक्ति मौजूद है। इंसान एक छोटी सी तकनीक के सहारे तीसरी आंख को जागृत कर सकता है। विज्ञान भी मानता है कि तीसरी आंख के जागृत होने के बाद इंसान की याददाश्त तेज हो जाती है। वो इंसान बंद आंखों से भी सब कुछ देख सकता है, उसे दूर की आहट भी सुनाई दे सकती है, उसकी शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, दूसरे लोग उस इंसान की ओर आकर्षित होने लगते हैं, उस शख्स का दिमाग इतना तेज हो जाता है कि जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो करना चाहता है। तो आखिर ये तीसरी आंख का रहस्य है क्या? इस रहस्य को जानता कौन है? आखिर इसको पहचानता कौन है? क्या ये सिर्फ एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ मसला है, या फिर इसके पीछे कोई एक विज्ञान है? ऐसा विज्ञान जिसे सिर्फ आपको एक बार समझने की जरूरत है। आज IBN 7 आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराने वाला है। आज देखिए, समझिए और सीखिए, आपके भीतर ही छिपी है एक ऐसी शक्ति जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। शायद 1 घंटे बाद आप वो न रहे जो आप अभी हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। त्रिनेत्र के रहस्य को आपके सामने लाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हम और आप अपने दिमाग का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं? क्या हम अपने दिमाग को कंट्रोल में कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम बंद आंखों से भी सब कुछ साफ साफ देख पाए? क्या यह संभव है कि हम किसी चीज को एक बार देखें और वो हमें पूरी जिंदगी याद रहे? आप कहेंगे कि ऐसा आसान नहीं, शायद असंभव है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि यह सब वाकई मुमकिन है, क्योंकि कुदरत ने इंसानों को ऐसी शक्ति दी है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनके पास वाकई वो शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जिनका जिक्र वेदों में भी है और विज्ञान में भी। आप अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि उस तकनीक को सीखने के बाद संभव है कि आपकी शख्सियत भी काफी बदल जाए। शिवा।
त्रिनेत्र यानी तीसरी आंख। शिव कथाओं में तीसरी आंख का जिक्र बार बार किया गया। अगर उन्हीं शिव कथाओं को विज्ञान के नजरिए से समझें, तो इसका मतलब ये है कि शिव के त्रिनेत्र में ऊर्जा का कोई अद्भुत भंडार छिपा है, ऐसी ऊर्जा जो धरती का विनाश कर सकती है। क्या ये तीसरी आंख सिर्फ शिव के पास है या वो शक्ति इंसानों के पास भी है? अगर है तो क्या इंसानों के पास भी ऊर्जा का कोई ऐसा भंडार है? क्या ये सब कुछ कोई दैवीय शक्ति है? या इंसान की आंखों के ठीक पर माथे के बीचों बीच कोई ऐसी संवेदनशील जगह है जहां ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र छिपा है। अब सवाल यह है कि क्या इंसान उस तीसरी आंख को जागृत कर सकता है? क्या वो तीसरी आंख किसी इंसान को सुपरमैन बना सकती है? क्या उस त्रिनेत्र से किसी इंसान को अद्भुत शक्तियां हासिल हो सकती हैं? आखिर इंसान के माथे पर मौजूद उस जगह का इंसान के दिमाग से क्या रिश्ता है? और क्या उस त्रिनेत्र को खोलकर कोई इंसान अपने दिमाग को काबू में कर सकता है? सिर्फ वेद पुराण ही नहीं, इतिहास की कहानियों में भी तीसरी आंख के कई जिक्र मिलते हैं। गौतम बुद्ध की पुरानी प्रतिमाओं में भी तीसरी आंख की आकृति दिखाई गई है। यहां तक कि चीन के थाओ धर्म में भी तीसरी आंख को वास्तविकता माना गया। यही नहीं, अमेरिका की माया सभ्यता समेत दुनिया भर की कई प्राचीन सभ्यताओं में तीसरी आंख का वजूद मौजूद था। प्राचीन हिंदू मंदिरों से लेकर मिस्र के पिरामिडों तक, मैक्सिको से कंबोडिया तक, कई प्राचीन इमारतों के तीन दरवाजे त्रिनेत्र के रहस्य के गवाह बनकर आज भी खड़े हैं। तो क्या वाकई इंसानों में कोई तीसरा नेत्र था? अगर था तो क्या वो तीसरी आंख आज भी है? और अगर वो तीसरी आंख वाकई मौजूद है तो उसकी शक्तियों का रहस्य क्या है? इतिहास की इन तस्वीरों को माने तो ये साफ हो जाता है कि भगवान से लेकर इंसान तक सब में तीसरी आंख मौजूद थी। शायद ये आपको पता नहीं, लेकिन मानव विज्ञान भी यही मानता है। आपने शायद महसूस किया हो तो आंखों के ठीक ऊपर और माथे के बीचों बीच एक अद्भुत केंद्र होता है। अगर कोई चीज स्पर्श न भी हो तो भी माथे पर एक अजीब सी सनसनी महसूस होती है। ज्यादा देर तक वो चीज उस केंद्र पर रहे तो अक्सर सिरदर्द जैसा अनुभव भी होता है। मानव विज्ञान के मुताबिक इंसान के इस हिस्से में एक ग्रंथि मौजूद है जिसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। मानव विज्ञान के मुताबिक प्राचीन काल में इंसानों के सर के पिछले हिस्से में वाकई एक तीसरी आंख थी, जिसके वैज्ञानिक सबूत विज्ञान की कई रिसर्च में सामने आ चुके हैं।